गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज हम देखेंगे ये बॉन्ड ब्रेकिंग सिस्टम देखने का है। बॉन्ड ब्रेकिंग सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट है हमें रिएक्शन में, आप जान लो बच्चों। हमें तो रिएक्शन देखने का है। कब हो सकते हैं बच्चों? रिएक्शन में फर्स्ट टाइम हमें रिएक्टेंट का बॉन्ड, हमें रिएक्शन में क्या होते हैं बच्चों, ये रिएक्टेंट होता है और इस साइड में क्या होता है बच्चों, ये तो प्रोडक्ट साइड है बच्चों, प्रोडक्ट साइड है नो डाउट। बट ऐसी कंडीशन में हमें क्या मिलता है बच्चों, ये रिएक्टेंट में हम सबसे पहले रिएक्टेंट एक्टिवेट होना चाहिए, मतलब इस रिएक्टेंट में जो कुछ भी बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या होना चाहिए बच्चों, ये तो ब्रेक होना चाहिए और बाद में ये प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए बच्चों, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए। न्यू बॉन्ड ये क्या होना चाहिए बच्चों, फॉर्मेशन होना चाहिए है न्यू बॉन्ड। आप सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए रिएक्शन में, बाद में बॉन्ड बनना चाहिए बच्चों। इसीलिए आज हम देखने वाले हैं वो बॉन्ड ब्रेकिंग सिस्टम देखना। हम बॉन्ड क्लीवेज, इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, हम बोलेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग सिस्टम देखेंगे, उसको हम बोल सकते हैं बच्चों बॉन्ड क्लीवेज बोल सकते हैं, बॉन्ड कैपेस बोल सकते हैं बच्चों, क्लीवेज भी बोल सकते हैं। हमें बॉन्ड को क्लीवेज है बच्चों, इसका टू टाइप हो जाएगा, मतलब बॉन्ड हम फर्स्ट में ऐसे उसके हम टू टाइप करेंगे। फर्स्ट टाइप हम देखेंगे बच्चों उसका यह है होमोलैटिक। होमोलैटिक क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा बॉन्ड। और सेकंड है बच्चों हेट्रोलैटिक हो जाएगा, हेट्रोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज हो जाएंगे बच्चों। आज हम देखेंगे उसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे, बाद में हम सेकंड पार्ट देखेंगे। हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं बच्चों, ये क्या है होमोलैटिक, क्या है बच्चों, ये क्लीवेज है, होमोलैटिक क्लीवेज। ये कैसा हो सकता है, मतलब बच्चों होमो मीन्स क्या है, सेम है बच्चों, सेम मतलब ये क्या है, सेम सेम है। लैटिक मतलब ब्रेकिंग है, और ये क्या है बच्चों, डिवीजन है। ऐसे टुकड़े होने वाले हैं बच्चों, इसमें ऐसे टुकड़े होने वाले हैं, इक्वल बेसिस, इक्वल चार्जेस डेवलप होने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्या है बच्चों, जितने भी क्लीवेज हो जाएंगे, जिसका भी क्लीवेज हो जाएगा उसके ऊपर सेम चार्जेस होने वाले हैं। अब हम होमोलैटिक क्लीवेज किसका हो सकता है हम देखें, हमें होमोलैटिक क्लीवेज का या सिग्मा बॉन्ड का होमोलैटिक क्लीवेज हो जाएगा, मतलब होमोलैटिक क्लीवेज हम किसका सोचेंगे बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड का हम होमोलैटिक क्लीवेज देखेंगे बच्चों। कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड है सिग्मा एंड कितना है पाई बॉन्ड है बच्चों, सिग्मा एंड पाई। हम इसके बारे में जानेंगे बच्चों, हम फर्स्ट जानेंगे बच्चों सिग्मा बॉन्ड के बारे में। हम हमें जो सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, इसका हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं, उसका नोटेशन ऐसा जैसा सिक्स जैसा है, उसका ये जो एरो है बच्चों वो तो एक्सटेंड हो गया सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड है क्या है बच्चों, ये तो हमारा पार्ट खत्म हो गया है, ये तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है बच्चों। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड में टू टाइप है बच्चों, एक वन है बच्चों ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग एंड क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एंड क्या है बच्चों, इसमें वीक बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग एंड क्या है बच्चों, वीक बॉन्ड सिस्टम। हमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसा हो सकता है बच्चों, हम देखेंगे उसका फर्स्ट टाइप देखेंगे बच्चों, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में क्या आ सकता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हमें ऐसा मिलेगा नॉन पोलर, नॉन पोलर
ये बॉन्ड मिलेगा, नॉन पोलर बॉन्डिंग है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग केस है बच्चों। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग है बच्चों, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग सिस्टम है। और सिग्मा बॉन्ड कैसा है? एक्चुअली ओवरलैपिंग सिस्टम है, एक्चुअली और एक्चुअली ओवरलैपिंग सिस्टम है। हम उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बारे में जानेंगे। फर्स्ट हमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड गुड नॉन पोलर है, मतलब हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है बच्चों, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी डिफरेंस कितना मिलना चाहिए बच्चों, ये तो मिल जाएगा लेस देन कितना है बच्चों 50%। ये ऐसा कैसा होगा? आप मान लो ये भी मेरा एग्जांपल, मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन है बच्चों, ये हाइड्रोजन जी, ये हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है हमने लिख दिया है बच्चों 1.2.1, और इसका भी कितना है बच्चों 2.1 है, इसका हम डिफरेंस लेंगे तो कितना आ सकता है डिफरेंस बच्चों 2.1 - 2.1, ये तो जीरो हो गया। ये डिफरेंस कितना आना चाहिए बच्चों? लेस देन 50% आना चाहिए। तो लेस देन 50% आ गया तो हम मानेंगे बच्चों ये नॉन पोलर बॉन्डिंग है और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, सिग्मा बॉन्डिंग है, ऐसे बॉन्ड और एक सिचुएशन थे। और दूसरा कंडीशन क्या है बच्चों? सेकंड मेरा केस ऐसा है बच्चों, वीक बॉन्ड है। वीक क्या है बच्चों? वीक बॉन्ड सिस्टम है, वीक बॉन्ड सिस्टम है। तो क्या हो सकता है बच्चों इसमें? है बॉन्ड क्या है बच्चों? पोलर बॉन्ड है। और हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? ये वीक ओवरलैपिंग केस। ये क्या है बच्चों? ये वीक क्या है बच्चों? ओवरलैपिंग सिस्टम है। ये क्या है बच्चों? वीक ओवरलैपिंग सिस्टम है। हमें इसमें सोचने का है। और ये इसमें क्या है बच्चों? एग्जाम्पल देख लो बच्चों, ये तो वीक बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड क्या है? पोलर हो गया है, मतलब वीक ओवरलैपिंग। ऐसा तब हो सकता है, ऐसा हो सकता है बच्चों, मान लो ये तो मेरा क्या है बच्चों? हाइड्रोजन है। और ये क्या है बच्चों? ये तो मेरा फ्लोरीन है। और इसके बीच में बॉन्ड है बच्चों, इसके बीच में बॉन्ड है। आप मुझे मालूम है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना है? 2.1 मान लिया, इसका कितना है बच्चों? 4 है, मतलब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मुझे निकालने का है। 4 - 2.1 तो वो कितना हो गया? मतलब ये हो गया बच्चों मेरा 1.9 हो गया, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है? 0.5% से ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये तो क्या है बच्चों? 50%। और हम इसको क्या लिख सकता हूँ? 0.5% और 0.5, ऐसा हमें ये तो 0.5 से ऊपर चल गया है, इसका मतलब ये बॉन्ड पोलर हो गया। इसका मतलब ऐसा हो गया बच्चों, हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो किस साइड चला गया बच्चों? ये तो क्लोरीन की साइड चला गया। ये इस बॉन्ड का 1 हाइड्रोजन का, इस बॉन्ड में हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन किसी ओर चला गया है बच्चों, ये फ्लोरीन की ओर चला गया है, इसीलिए इसके ऊपर क्या आ गया? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इसके ऊपर क्या आ गया बच्चों? पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया, और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो गए सिग्मा बॉन्डिंग, मतलब सिग्मा बॉन्ड में, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये बॉन्ड क्या हो गया बच्चों? वो तो पोलर हो गया। ये समझ लो बच्चों, ये पोलर हो गया, मतलब हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का रिलेशन कुछ भी ठीक ठाक नहीं है बच्चों। क्यों? ये हाइड्रोजन सोचेगा, अरे क्लोरीन भाई, तुमने तो मेरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, हम नहीं चुप बैठने वाले है बच्चों। ये ऐसा हाइड्रोजन बोलेगा, तो फ्लोरीन बोलेगा, अरे अभी तो तुम कुछ नहीं कर सकते, हम तो स्ट्रॉन्ग है बच्चों, हम लेंगे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, तुम कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकते। ऐसा फ्लोरीन किसको बोलेगा? हाइड्रोजन।
तो हाइड्रोजन सोचेगा, क्या सोचेगा, अरे यार तू तो बड़ा खतरनाक आदमी है बच्चों। वो ऐसा हाइड्रोजन सोचेगा, और मैं तू ऐसा कर सकता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये हाइड्रोजन बोलेगा, तो मैं ऐसा करने वाला हूँ ये तुम्हारा और मेरा रिलेशन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, हम उसके हम अपना रिलेशन ब्रेक करेंगे। तो ऐसा रिलेशन ब्रेक करने में क्या है बच्चों, बहुत जल्दी हो सकता है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, इसमें इजीली बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसका हम कैसा कैसा क्लीवेज हो सकता है इसके बारे में हम सोचेंगे। तो इसका क्लीवेज आप हेटरोलेटिक हो जाएगा, तो सोचेंगे फर्स्ट का केस, फर्स्ट केस है ये, तो हम इसका क्लीवेज है बच्चों जनरली होमोलैटिक टेंडर स्टडी हो जाएगा, होमोलैटिक टेंडर स्टडी हो जाएगा, और इसका जो स्टडी है बच्चों वह हेट्रोलैटिक के अंडर स्टडी हो जाएगा, मतलब हेट्रो मींस डिफरेंस, वह ऐसा हो जाएगा बच्चों ये सोचेगा तुम्हें रिलेशन ब्रेक करना है तो कर लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन है मुझे दे दो और तुम यहां से चले जाओ, मतलब हेट्रो, हेट्रो में फॉर्मेशन द चार्जेस, बट चार्जेस इज हेट्रो मींस डिफरेंट चार्जेस आर क्रिएट, हमें अभी देखने का है होमोलैटिक एक्टिवेशन। होमोलैटिक में क्या हो सकता है बच्चों, देखिए ये क्या हो सकता है, अब मैं होमोलैटिक का केस किसका देखने वाला हूं, ये अब मैं देखने वाला हूं बच्चों होमोलैटिक क्लीवेज, अब होमोलैटिक क्लीवेज ये ऐसा क्यों हो सकता है इसके बारे में हम सोचेंगे। होमोलैटिक क्लीवेज हो सकता है बच्चों, और हम देखेंगे वो कैटलिस्ट, हम इसको क्या मानेंगे बच्चों कैटलिस्ट, मतलब इस ऐसे एक तो बच्चों मान लो जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है उसमें तो बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है, बट इस रिलेशन ब्रेक करने वाले कौन आ सकते हैं, ये रिलेशन किसके क्यों ब्रेक हो सकता है बच्चों, हम उसको कैटलिस्ट मानेंगे। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है बच्चों इसको हाई टेम्परेचर दे दो बच्चों, हाई टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर मिलने के बाद क्या हो सकता है, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन हो जाएगा। हाँ मैं सेकंड कंडीशन रखता हूँ बच्चों, ये चिमियो है मतलब सनलाइट से भी फ्यूजन हो सकता है। थर्ड कंडीशन मैं लिखता हूँ बच्चों, वो ऐसे से भी हेट्रोलाइटिक फ्यूजन हो सकता है बच्चों। और फोर्थ केस मैं रखता हूँ, क्या रखता हूँ बच्चों, फोर्थ केस है मेरे पर एसिड और नॉन अप्रोटिक, मैं ऐसा लिखता हूँ अप्रोटिक नॉन पोलर का बच्चों सॉल्वेंट है, और इसका नाम क्या है एग्जांपल CCl4, इस सॉल्वेंट हमने रिएक्शन में ऐसा सॉल्वेंट यूज करूंगा तो हमें चांसेस मिलता है बच्चों, ये क्या है होमोलैटिक क्लीवेज, हमें होमोलैटिक क्लीवेज में नोटेशन देखने का है बच्चों, नोटेशन देखने का है, नोटेशन हमें नोटेशन ऐसा मिलेगा बच्चों, ये तो कर्व एरो मिलेगा, ये क्या है बच्चों, ये कर्व एरो, ये कर्व क्या है बच्चों, एरो है, बट ये एरो कैसा है बच्चों, ये सिंगल हेडेड एरो है, मतलब इसको हम हेड इसको बोलेंगे बच्चों, ये तो एरो है, मतलब ये क्या है लाइन है सेगमेंट है, उसके ऊपर ऐसा कैप डाल दिया इसको हम एरो बोलेंगे, ये एरो हो गया, इसमें ऐसा है वन कैप मैंने निकाल दिया तो सिंगल हो गया, और इसमें और एक कैप लग दिया तो डबल हेडेड कैप हो गया, इसका मतलब मैंने ये एक वन साइड का कैप भी रख दिया है बच्चों, ये वन साइड का कैप क्या कर दिया मैंने हटा दिया, इसको बोलेंगे हम सिंगल, इसका मतलब क्या हो गया है बच्चों, इसका मतलब हो गया है ओनली वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है बच्चों इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन ओनली वन इलेक्ट्रॉन जा रहा है,
वन इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका मतलब है यहां से फॉर्म, ये फॉर्म किधर जा रहा है बच्चों, इस डायरेक्शन टूवर्ड टूवर्ड ऐसा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक कर्व ऐसा मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है बच्चों, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में वन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, वन इलेक्ट्रॉन जा रहा है बच्चों, सिंगल पर्सन अलाउड है बच्चों, ऐसा सिंगल इलेक्ट्रॉन अलाउड है, ये हमारा नोटिस बोर्ड है। हम देखेंगे बच्चों इसका एग्जांपल देखेंगे, हाँ इसका है एग्जांपल, हम देखेंगे बच्चों क्या है, आप मान लो ये क्या है बच्चों, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और इसके ऊपर ऐसा लाइट वो फॉलो हो गया, तो इसमें वन बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये दो इलेक्ट्रॉन है, इसका वन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लेगा और इसका वन इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन ले लेगा, अब इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन अलग हो जाएगी बच्चों, दो हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, मतलब इसमें क्या हो गया, बॉन्ड क्या हो गए बच्चों, बॉन्ड ब्रेक हो रहे है, ब्रेक हो ब्रेकिंग हो रहे है बच्चों, बॉन्ड ब्रेकिंग, आप इसमें बॉन्ड ब्रेक में जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, जिसका इलेक्ट्रॉन था उसका इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया उसने, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन था हाइड्रोजन वापस ले लिया, मतलब इसके ऊपर वन इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर वन इलेक्ट्रॉन है, इसको हम इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये तो हाइड्रोजन है और इलेक्ट्रॉन को हम डॉट लिख लेते हैं, और इसको भी हम इलेक्ट्रॉन को क्या लिख सकते हैं बच्चों, डॉट लिख सकते हैं, मतलब डॉट है मतलब इसमें क्या है बच्चों, हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसके ऊपर क्या है अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन है, और हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें इसको कोई भी ऐसा क्या है बच्चों, ऐसा और एक इलेक्ट्रॉन है मतलब उसके पेयर नहीं, अनपेड क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन है, हम ऐसे बोले हमें ऐसा मिलेगा, और हमें इस बेसिस को और एक नाम है बच्चों, इसको हम बोलेंगे रेडिकल भी बोल सकते हैं बच्चों, आप इसका मुझे नाम लिखने का है, ये रेडिकल है बच्चों, हम इसको फेवरेट नाम है, मैं क्या लिख सकता हूँ, ये बढ़िया से रेडिकल नाम लिख सकता हूँ, इस ये रेडिकल है, बट किसका है, हाइड्रोजन का है, इसीलिए हम लिखेंगे बच्चों हाइड्रोजन, क्या लिखेंगे बच्चों, हाइड्रोजन रेडिकल लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे हम, हाइड्रोजन रेडिकल। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, इसमें ऐसा है सीएल है, सीएल है बच्चों, और इसमें भी क्लोरीन एचनो है, अब इसमें क्या हो गया है बच्चों, वन इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जा रहा है बच्चों, इस क्लोरीन के, और इसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन है किस पर जा रहा है बच्चों, इस क्लोरीन के ऊपर, मतलब हमें कितना हो गया Cl प्लस Cl, इसके ऊपर हम डॉट लिखेंगे, ये डॉट लिखेंगे मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गए, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गए, नहीं तो हम इसको बोलेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और इसके ऊपर कितना चार्ज है बच्चों, वन निगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर कितना है बच्चों, वन निगेटिव चार्ज है, वन निगेटिव चार्ज है, होमो मीन्स ऐसा, हम उसके ऊपर चार्ज है कि नहीं ये भी देखने वाला है बच्चों, हम सोचेंगे चार्ज है कि नहीं, मान लो एक क्लोरीन का कितना था बच्चों, 17-18 नंबर है, उसके ऊपर उसने वन इलेक्ट्रॉन से रिंग कर दिया था, वन इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, मतलब उसमें ऐसा है बच्चों कुछ भी चार्ज नहीं है दोनों के, दोनों क्लोरीन के ऊपर, बट इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बच्चों, इसका मतलब ऐसा है बच्चों क्लोरीन के पास कितना लोन पेयर था बच्चों, एक क्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये 2 हो गया, वो 2 हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया बच्चों, ये तो 6 हो गया, और ये कितना है 1 है, तो क्या है 6 प्लस 1 7 हो गया ना, हाँ ठीक, ये क्या है बच्चों, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, 2 मतलब कितना हो गया बच्चों, ये 6 है, 6 प्लस 1 तो क्या है 7 है, ऐसा अब हमें इसको बोलेंगे बच्चों एक क्लोरीन रेडिकल है, ये क्या है क्लोरीन क्या है बच्चों, रेडिकल है बच्चों, इसको हम क्लोरीन रेडिकल बोलेंगे,
अब ऐसा हमें रेडिकल सिस्टम मिल सकता है, यह हमारा होमोलैटिक डिवाइस हो जाएगा बच्चे। रेडिकल इन रिएक्शंस इनवॉल्विंग रेडिकल इज नोन एज हम क्या बोलेंगे बच्चों, फ्री रेडिकल बोलेंगे हम उसको, क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। यस, हम उसके बाद देखेंगे बच्चों हेटरोलाइटिक फ्यूजन क्या देखेंगे बच्चों, ये सेकंड है मेरा हेटरोलाइटिक क्या है बच्चों, ये क्लीवेज है, मतलब हमें ऐसा क्लीवेज होने वाला है, किसमें हो जाएगा बच्चों, ये तो मैंने बता दिया, हमें क्लीवेज हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड में, बट सिग्मा बॉन्ड क्या है, वीक बॉन्ड है, सिग्मा क्या है, सिग्मा वीक बॉन्ड है बच्चों, इसमें हो जाएगा। अब ऐसे समय में क्या हो सकता है बच्चों, हमें ऐसे समय में रिएक्टेंट का हमें जब ऐसी सिचुएशन है तो हमें ऐसा मिलेगा बच्चों, टू पेसिस मिलेगा, वन पेसिस है बच्चों, टू पेसिस मिलेगा, इसमें वन पेसिस मिलेंगे इलेक्ट्रिकली रिच एंड इलेक्ट्रिकली डेफिशिएंट पेसिस, क्या मिलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिकली रिच पेसिस मिलेंगे और इलेक्ट्रिकली क्या मिलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिकल डेफिशिएंट पेसिस मिलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रिकल रिच पेसिस मिल सकते हैं बच्चों और इलेक्ट्रिकली डेफिशिएंट पेसिस मिलेंगे हमेशा, तो हम बोलेंगे बच्चों हेटरोलाइटिक क्या है बच्चों, क्लीवेज है। यह इसका एग्जाम हम देखेंगे बच्चों क्या है बच्चों, देखो इसमें ऐसा है, ये तो मेरा ऐसा सिस्टम है बच्चों, हाइड्रोजन है, सीएल है, इसमें देख लो बच्चों, इसमें हेटरोलाइटिक बॉन्ड है बच्चों, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बच्चों ज्यादा है, देख लो मतलब इसका कितना है 2.1 है, माइनस इसका कितना है 3.5 है, सोच लो बच्चों इसमें कितना आ गया है, देख लो बच्चों ये 4 आ गया और कितना है 1 आ गया, ये हो गया 1.4 हो गया बच्चों, और इसमें नेगेटिव साइन लगा दो, इसका मतलब ऐसा है हम इसको नेगेटिव, हायर किसका, इसका ज्यादा, इसका कम, तो हम इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव लगेंगे और इसको भी हम पॉजिटिव रखेंगे, तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना आ गया, 1.4 आ गया, मतलब 0.5 से ज्यादा है बच्चों, ठीक है ना, है बच्चों है, तो हमें ऐसे समय में क्या हो जाएगा, ऐसे समय में हो जाएगा बच्चों, इस बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन है, ओ तो हमें हम पूछेंगे आपको बच्चों कितने आदमी है, तुम बोलेंगे 2 आदमी है, सर जी 2 सरदार है, और 2 सरदार है बच्चों वन डायरेक्शन में भाग रहे हैं बच्चों, वन डायरेक्शन मतलब इस बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाएंगे, इसके बारे में हम सोचेंगे बच्चों, इसके बाद किसके ऊपर जाएंगे उसके बारे में हम सोचेंगे, ये तो जो कुछ भी बॉन्डिंग है मतलब ए एन बी बॉन्ड है बच्चों, ए एन बी के बीच में बॉन्ड हो गया है बच्चों, ये मेरा क्या है बच्चों, बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ए, ऐसा मैंने क्या कर दिया बच्चों, कंसीडर कर दिया, ये मान लिया बच्चों ये क्या है, ए इज लेस देन बी, तो उसी टाइम में जो ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये क्या मान लिया बच्चों, ये ऐसा है इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी है बच्चों, ये बी का ज्यादा है, तो किसके ऊपर, जिसका इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा है उसके ऊपर पे हमेशा कौन सा चार्ज स्टेबल रहता है बच्चों, उसके ऊपर हमेशा निगेटिव चार्ज स्टेबल रहेगा, निगेटिव चार्ज क्या रहेगा बच्चों, उसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज हमेशा क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा बच्चों, और जो इलेक्ट्रिकली
क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिकली डेफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रिकली कम नहीं चले उसके ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, हमेशा ऑलवेज इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेबल हो जाएगा। ये बात कभी भूलने का नहीं, मतलब जिस जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है उसी डायरेक्शन में एक एरो घूम जाएगा बच्चों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी डायरेक्शन में घूम जाएंगे जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैरेक्टर ज्यादा है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इसके इस डायरेक्शन में इस एटम के ऊपर ऐसा एरो शो हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन ये किस डायरेक्शन में फ्लो हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा बच्चों, ऐसे डायरेक्शन ऐसा क्यों हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और इसमें मैंने ऐसा गया इस क्या क्यों दिया था बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक होने से पहले इसके ऊपर क्या होता है, वन पॉजिटिव है तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए, वन नेगेटिव है, आगे वो बॉन्ड ब्रेक हो गया बच्चों तो ए के ऊपर क्या हो गया, अभी परमानेंट चार्ज आ गया बच्चों, उसने ए ने परमानेंट वन इलेक्ट्रॉन लॉस किया, वन पॉजिटिव चार्ज आ गया, और उसने बी ने परमानेंट वन इलेक्ट्रॉन गेन किया उसके ऊपर परमानेंट पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब ये पोलर बॉन्ड से हेटरोलाइटिक फ्यूजन होने के बाद बच्चों ये अनचार्ज चार्जेस है अनइक्वल डेवलप हो गए बच्चों, ये तो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, कितने डेवलप हो सकते हैं बच्चे, जितने पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे उतने भी नेगेटिव चार्ज डेवलप होना चाहिए बच्चों, उतने हम इसमें सोचेंगे। और ए एच क्या हो गया बच्चों, ये पॉजिटिव हो गया तो सी एल क्या होना चाहिए बच्चों, ये तो नेगेटिव होना चाहिए, ये तो क्या होना चाहिए बच्चों, ये नेगेटिव होना चाहिए, अब हो गया कमी हो गया बच्चों। देखो अब मैं सेकंड एग्जांपल ऐसा लेता हूँ बच्चों, इसमें है ये एच है और ये बी आर है बच्चों, ये क्लियर से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बच्चों, ये क्लियर से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अब इसमें बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा बच्चों, किसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैरेक्टर का लिस्ट दे दिया था बच्चों, ये ब्रोमीन का जा रहा है मतलब एच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन के ऊपर क्या आ गए बच्चों, नेगेटिव चार्ज आ गए। इसको हम हमें ऐसी सिचुएशन है तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गए, हमें है हेटरोलाइटिक फ्यूजन से ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो सकते हैं और हम कर सकते हैं बच्चों। आप मेरा बच गया है बच्चों, लास्ट पार्ट बच गया है, हमें किसका पार्ट बच रहा है, हमारे पास क्या है बच्चों, ये तो पाई बॉन्डिंग सिस्टम है, पाई बॉन्डिंग सिस्टम है बच्चों, ये पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गए इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएंगे बच्चों, हमें मालूम है, क्या मालूम है बच्चों, सबसे दुनिया का वीक बॉन्ड है तो क्या है, पाई बॉन्ड है, सबसे दुनिया का वीक बॉन्ड है तो कौन सा बॉन्ड है बच्चों, ये वीक बॉन्ड है, ये तो वीक बॉन्ड है बच्चों, वीक बॉन्ड है बच्चों, ये कौन सा है तो पाई बॉन्ड है, क्यों ऐसा हो गया बच्चों, इसमें क्या है बच्चों, एक्चुअली ओवरलैपिंग नहीं हुई थी, इसमें क्या है बच्चों, लैटरल ओवरलैपिंग है बच्चों, लैटरल ओवरलैपिंग है और इसको हम बोलेंगे साइड वाइज, साइड वाइज क्या है बच्चों, ओवरलैपिंग है ऐसा हम बोलेंगे बच्चों, साइड वाइज ओवरलैपिंग है हम बोलेंगे, तो इसका जो एक्चुअली ओवरलैपिंग नहीं है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा बच्चों। इसमें क्या है बच्चों, ये कार्बन है, कार्बन है और इसके बीच में ऐसा बॉन्डिंग है बच्चों, ये तो मेरा नाम, इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम हो गया है बच्चों, क्या हो गया है, ये तो ये वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री मतलब प्रोपीन नाम है, इसका मॉलिक्यूलेशन हो गया, क्या नाम है बच्चों, ये तो प्रोपीन है। अब इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों, कैसा हो जाएगा, ये कार्बन है तो ऐसा हो गया, और एक कार्बन है बच्चों ऐसा है, अब ऐसा हो गया, और सेकंड कार्बन यहाँ पर है बच्चों, इसमें भी क्या हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया बच्चों, देखो और ये जो हाइड्रोजन सिस्टम है,
वो हाइड्रोजन 16 कैसी हो गई है बच्चों, ये देख लो, ये तो हाइड्रोजन 16 है, ये भी हाइड्रोजन 16 है, और ये क्या है बच्चों, इधर हम देखेंगे आर ग्रुप है, ये क्या है बच्चों, ये तो हाइड्रोजन है, ये आर ग्रुप के साइड को जुड़ गया है, और इसमें जो कॉमन हो गया है वो बच्चा वो क्या हो गया बच्चों, ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया है। अब मैं इसमें सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, सब सिग्मा है। अब इसमें बच गया है वो बॉन्ड है बच्चों, ये क्या है, वो पाई बॉन्ड है। इसमें पाई बॉन्ड हमें दिखाना चाहिए, हम इसमें पाई बॉन्ड दिखाने वाला हूँ बच्चों। इसमें पाई बॉन्ड क्या है, इसका जो ये पी ऑर्बिटल है बच्चों, ये इसका पी ऑर्बिटल हो जाएगा बच्चों, और इसका भी ये क्या हो जाएगा, ये पी ऑर्बिटल हो जाएगा बच्चों, और इसमें वन इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसमें वन इलेक्ट्रॉन है, और इसका क्या हो सकता है बच्चों, ये अट्रैक्शन हो सकता है, तो इसमें ये कार्बन को वन इलेक्ट्रॉन कम है तो वन लुक इसको देगा और इसको वो देगा, मतलब उसमें पार्शियली अट्रैक्शन हो सकता है, एक्चुअली वो लेकिन नहीं है, वो बॉन्ड ब्रेक करने में मुझे कुछ भी ज्यादा एनर्जी नहीं लग जाएगी, इसीलिए वो दुनिया का सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है बच्चों, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। ये हम ये बॉन्ड कैसा ब्रेक होने वाला है हम देखेंगे, इसमें हम इसका पॉसिबिलिटी इधर लिखूंगा, और लिखना चाहता हूं बच्चों ऐसी, देखो इसमें क्या है बच्चों, देख लो ये कार्बन है, हाइड्रोजन है बच्चों, ये हाइड्रोजन है, और ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है बच्चों, ये CH3 है, आप देख लो बच्चों ये पाई बॉन्ड है, किस डायरेक्शन में घूम जाएगा, तो इसमें देख लो बच्चों ये क्या है मेरा, ये तो मिथाइल ग्रुप है, हमें मालूम है बच्चों ये मिथाइल ग्रुप क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग करेगा, और किसमें इलेक्ट्रॉन पुश करेगा बच्चों, ओनली सिग्मा बॉन्ड में पुश करेगा, तो किसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी बच्चों, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसका मतलब मुझे ये जो पाई बॉन्ड है किस डायरेक्शन में मुड़ना चाहिए बच्चों, इस डायरेक्शन में होना चाहिए, इसका मतलब ये जो पाई बॉन्ड है बच्चों ऐसा मुड़ गया है, वो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, वो सिग्मा है, वो हाइड्रोजन है बच्चों, ये क्या है, ये हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन डोनर करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब ऐसे इसी तरह हमारा हेटरोलेटिक फ्यूजन वो पाई बॉन्ड का हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फोर्स है, मतलब जिस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बच्चों, पुश कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन ये पुशिंग है इस डायरेक्शन में, इसीलिए हमें इसके सब पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किस ओर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमें ऐसी तरह हमारा हेटरोलेटिक क्लीवेज हो जाएगा, इसीलिए हमारा हेटरोलेटिक क्लीवेज हो जाएगा, इसमें कुछ डाउट है तो हमें पूछ लो बच्चों।